मैं अक्सर इस अवार्ड में शामिल होती हूँ और अपना परफॉर्मेंस देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है ये अवार्ड, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया था उसके बाद जो कोई पहला अवार्ड आया था तो ये भोजपुरी अवार्ड्स ही आया था। तो एक बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे और विनोद गुप्ता जी ने इसको बरकरार रखा है, उसके लिए तहे दिल से उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, योगदान पता नहीं मेरा कितना है, बस मैंने काम किया है और सच मानो तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि हमेशा अक्सर काम दिया है। और अवार्ड जो होता है वो अक्सर एक आर्टिस्ट को सम्मान दिलाता है और ये जिम्मेदारी देता है कि आप आगे और अच्छा काम करें। और ये भोजपुरी अवार्ड्स जो हैं इसने हमेशा सम्मान दिया है, हर कलाकार को दिया है, हर टेक्नीशियन को दिया है और एक ज़िम्मेदारी बढ़ाई है। जैसे अभी तो अवार्ड मिला नहीं है, अगर अवार्ड मिलेगा तो मैं और मेहनत करूँगी, आने वाले साल में भी अवार्ड पाऊँ, तो एक यू नो एक आगे आने वाला स्टेप होता है ये। तो ये आरोप कैसे हो गया सोशल मीडिया? एक्चुअली मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वहाँ से। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं पर्सनली, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोगों में कमाल की एनर्जी है और वो लोग मुझे कमाल का मोटिवेशन देते हैं जो मेरे आसपास के लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं अपनी हर एक्टिविटीज़ को, और जैसे जिम की जहाँ तक बात है, ऑफकोर्स मैं जिम की फ़ोटो ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। यू नो, पिछले 16 साल से जिम से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है कभी भी, तो अभी चूँकि वास्ता हो गया है तो मैं दिखाती हूँ कि हाँ वास्ता हो गया, देखो देखो देखो, दैट्स व्हाई आप मैं जिम की फ़ोटो ज़्यादा डालती हूँ। ही इज़ एक्सीलेंट, बहुत हिम्मत है उनमें, बहुत जज्बा है उनमें कि वो हम सबको झेल लेते और हर साल अवार्ड करते हैं। मैं हमेशा चाहूँगी कि वो अक्सर ऐसे ही अवार्ड्स करते रहें। जब मैं 50 साल की हो जाऊं तो मुझे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हीं के थ्रू मिले, मैं यही चाहूंगी। मैं नॉमिनेट हूं बट पता नहीं मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो फिल्म बहुत खूबसूरत है। अवार्ड मिले या ना मिले, उस फिल्म की कहानी और आज की जनरेशन में, यू नो, मैं बहुत टाइम से कुछ अलग तरह की फिल्में कर रही हूँ, तो सखी के बिया उन्हीं में से एक है। मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगी, अगर अवार्ड नहीं भी मिलता है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है, वही हमारा रिवॉर्ड है। आपकी आने वाली मेरी आने वाली फिल्में हैं अभी पंचाली, लेडी सिंघम, और अभी मैं हिंदी में काफ़ी कुछ करने जा रही हूँ, जो न्यूज़ आएगी बहुत जल्दी। कल से मेरा पहला दिन है, मेरी बॉलीवुड में एंट्री होने जा रही है और एक लॉन्चिंग कह सकते हैं आप वहाँ पर, बोरा ब्रोस के थ्रू एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने मुझे साइन किया है। तो कल मेरा पहला दिन है, तो आने वाले दिन में आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी। जाएंगे, पक्का जाएंगे, अगर आगे मुझे ऑफ़र आता है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी और बहुत कमाल करके आऊंगी। एंटरटेनिंग तो है बिग बॉस, चूँकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा फॉलो किया नहीं है बिग बॉस, जब खेसारी जी अंदर थे तभी देखती थी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं फ़ैन हूँ बिग बॉस की, तो देखा नहीं बहुत ज़्यादा। खतरों के खिलाड़ी जैसे ही बिग बॉस ख़त्म होगा वैसे ही खतरों के खिलाड़ी टेलीकास्ट होगा और आप लोग देखेंगे वहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, कितना रोई हूँ, कितना चिल्लाई हूँ और कितने शौक के झटके लगे हैं मुझे तो आने जब टेलीकास्ट होगा तब आप लोग देखेंगे। यू नो, बहुत ही स्ट्रेसफुल शो है वो, आसान शो नहीं है और आसान लोग नहीं कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस साल के सीज़न में उन 11 लोगों में से मैं एक थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो अपने आप में ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या नहीं मिले, वो जब टेलीकास्ट होगा तो ही देखने में मज़ा आएगा। रोज़ तो खतरा बोलते हैं यार, तुमको झेलती हूँ इससे बड़ा खतरा क्या है, ये सर संजय को झेलती हूँ तुम रिपोर्टर्स को झेलती हूँ इससे बड़ा कोई खतरा है क्या? थैंक यू।